एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो। और यहाँ से हम लोग जो भी वीडियोस भेज रहे हैं वो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ के लिख रहे हो। ओके, तो अब तक हम लोगों ने किए थे अल्फाबेट, शेप्स एंड कलर। ओके, तो आज आप लोगों को क्या करना है, जो हमारी 26 लेटर्स के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको आपको लिखना है। और वो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब ने मटेरियल आई होप के निकाल दिया है। ओके, एंड मटेरियल में ही आप लोग वर्क कर रहे हो। तो आज आप लोगों को क्या करना है, अल्फाबेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा लेटर है, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एप्पल भी बोल सकते हो। ओके, तो ये दोनों जो है वो ए फॉर एप्पल या तो ए फॉर एरोप्लेन है। देखो ये भी ए है और ये जो है वो स्मॉल लेटर के ए है। फिर क्या है, बी फॉर बटरफ्लाई, बी फॉर बटरफ्लाई, तो ये दोनों लेटर बी है। ओके, फिर क्या है, सी, सी, तो ये दोनों लेटर सी है, तो सी फॉर कैटरपिलर या तो सी फॉर कैट भी आप लोग बोल सकते हो। ओके, फिर आएगा डी, डी, ये भी डी है और ये जो डी है वो स्मॉल लेटर का डी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी फॉर ड्रम। फिर क्या आएगा, ई, ई, ये दोनों जो ई है ये जो है वो कैपिटल लेटर है एंड ये जो ई है वो स्मॉल लेटर ई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ई फॉर एलिफेंट। तो अभी मैं आपको, पहले हम लोगों ने सीखा रिकग्नाइज करना मतलब पहचानना, अब हम लोग सीखेंगे कैसे लिखते हैं। ओके, तो जो आज जो मैं आपको सिखाऊँ कौन सी लाइन में लिखना है वो बच्चों आपको खास ध्यान रखना है। ओके, लाइन के बाहर निकल गया तो भी गंदा दिखेगा, अगर लाइन को टच नहीं किया तो भी गंदा दिखेगा। ओके, तो आप सब लोगों को स्टार चाहिए ना अच्छे से, तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरह से लिखोगे तो आपको मैं स्टार दूंगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ए, और ये भी ए, तो अभी आपको लिखना कैसे है, देखो यहाँ पे फोर लाइंस दी गई है, 1, 2, 3, 4 हुई फोर लाइन, तो ये वाला जो ए है वो पहली तीन लाइन में ही लिखना है। ओके, यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये जो 3 लाइंस दिख रही है सिर्फ उसी में आपको ए करना है। देखो कैसे करोगे, स्लेंटिंग लाइन तो आप सबको आई गई है, तो फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक एक स्लेंटिंग लाइन बना दो, फिर ऑपोजिट डिरेक्शन में वापस से एक स्लेंटिंग लाइन कर दो, तो दो स्लेंटिंग लाइन मिला दोगे ऊपर से तो क्या बन जाएगा हमारा, ए फॉर एप्पल। एंड देन लास्ट में आपको क्या करना है, जो बीच वाली लाइन है उसमें एक स्लिपिंग लाइन, ओके, इस तरह से कर देना है। पहले क्या करना है, 1 स्लेंटिंग लाइन, 2 स्लेंटिंग लाइन, वो जो दोनों स्लेंटिंग लाइन है वो ऊपर से जॉइन कर देनी है। एंड देन लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे जो बीच वाली लाइन है उसमें आप लोगों को स्लिपिंग लाइन कर देनी है, तो ये क्या बन गया हमारा, ए फॉर एप्पल। फिर क्या करना है, स्मॉल वाला ए, वो कैसे करोगे, देखो पहले यहाँ पे जो बीच वाली जो दो लाइन है सिर्फ उसी में बी ए, सॉरी ए करना है। ओके, तो पहले क्या करोगे, ऐसा एक सी बना दो, सी कर देना है, फिर पहले छोटा सा और आगे तक लेके जाओ, फिर वहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे कर दो, तो ये क्या हो गया, ए फॉर एप्पल। देखो मेरा बाहर थोड़ा सा निकल गया है तो मैं वो रब कर दूंगी। ओके, ऐसे आप लोगों को करना है, मैं और एक बार करके दिखाऊंगी कैसे करना है। ओके, देखो यहाँ पे स्लेंटिंग लाइन, 2 स्लेंटिंग लाइन एंड 1 स्लिपिंग लाइन, तो ये बन गया हमारा ए। फिर स्मॉल वाला ए बनाना है तो ऐसा सी बना के एक स्टैंडिंग लाइन कर दोगे तो ये क्या बन गया हमारा, ए। तो ये दोनों, ये सारी लाइन ए वाली है वो आपको कंप्लीट करनी है। देन आफ्टर ए के बाद क्या आता है, बी, तो बी कैसे करोगे, वो भी ए की तरह पहली तीन लाइन में ही करना है, तो पहले एक स्टैंडिंग लाइन कर दो तीन लाइन तक, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करके थर्ड लाइन तक, फिर एक छोटा सा यहाँ ब्लू लाइन तक कर्व कर दो, फिर सेकेंड कर्व उससे जॉइंट में ही कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बी फॉर बटरफ्लाई।
फिर ये भी है जो सेकंड बी है, वो भी थर्ड लाइन तक करना है, तो वो कैसे करोगे? पहले वन स्टैंडिंग लाइन एंड यहाँ से एक छोटा सा टर्न इस तरफ, तो ये क्या बन गया? बी। कैसे करना है देखो, स्टैंडिंग लाइन एंड दो कर्व, तो ये क्या बन जाएगा? बी फोर बटरफ्लाई, फिर वापस से स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, तो ये क्या बन गया? बी। बी के बाद क्या आएगा हमारा? सी, सी फोर कैटरपिलर या तो फिर कैट। ओके, तो वो भी पहली तीन लाइन में ही किया है। देखो यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन है उसका यूज किया नहीं है, तो आप लोगों को भी यूज करना नहीं है, वो ऐसे ही रहनी देनी है। तो क्या आएगा? सी। सी कैसे करेंगे? फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक ऐसा कर्व कर देना है। कर्व तो हम लोगों ने पहले कर दिया है, तो वो आपको इजीली आ जाएगा। फिर जो छोटा सा सी है, मतलब स्मॉल वाला, वो इधर ऐसे कर देना है, मतलब बीच वाली जो दो लाइन है जैसे हमने ए में यूज़ की थी उसी तरह से सी में भी हमको करनी है। ओके, तो देखो यहाँ पे कर्व कर देना है, तो ये बन गया हमारा सी फोर केट या तो कैटरपिलर। फिर क्या आएगा? डी, डी फोर ड्रम, तो वो कैसे करना है? उसमें भी पहली तीन लाइन में का ही यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंगे स्टैंडिंग लाइन एंड एक पूरा कर्व, जहाँ बी में हम लोगों ने दो आधे आधे कर्व किए थे, बट डी में पूरा का पूरा जो कर्व है वो कर देना है। फिर यहाँ पे स्मॉल वाला डी कैसे करोगे? स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। देखो डी में इस तरफ कर्व आएगा, अलग कर्व आएगा, एंड बी में इस तरफ, मतलब ये बी है और ये डी है, दोनों ऑपोजिट डिरेक्शन में करना है। ओके, आपको याद रखना है कि इस तरफ जो आता है उसको हम लोग बी बोलेंगे एंड इस तरफ जो आता है उसको हम लोग डी बोलेंगे। ओके, तो देखो स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, वापस से स्टैंडिंग लाइन एंड छोटा सा कर्व। बड़ा वाला डी में पूरा कर्व करना है और छोटी वाली ए बी सी डी में छोटा वाला। ओके, फिर डी के बाद क्या आएगा? ई, ई फॉर एलिफेंट, वो तो एकदम इजी है। देखो पहले ब्लू लाइन से नीचे की पिंक लाइन, सॉरी पिंक लाइन से नीचे की ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन कर देनी है, फिर स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ओके, तीन स्लीपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन, तो क्या बन जाएगा? ई फॉर एलिफेंट। फिर छोटा वाला ई कैसे करोगे? पहले एक सा सी बना दो, फिर ऊपर से अंदर की तरफ टर्न कर दो, तो क्या बन जाएगा? ई। देखो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया ई। फिर छोटा वाला सी, सॉरी ई कैसे करोगे? पहले कर्व कर दो या तो सी कर दो एंड अंदर की तरफ से टर्न ले लो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ई। तो यहाँ पे देखो पहले ए फोर एलो एरोप्लेन, बी फोर बटरफ्लाई, सी फोर कैटरपिलर, डी फोर ड्रम, ई फोर एलिफेंट एंड अभी हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट लेटर कौन सा है। तो यहाँ पे पूरे पेज में आपको अपने आप लिख के कंप्लीट करनी है। देखो यहाँ पर भी मैडम वेट, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे ट्रेस कर देना है पहले, नीचे जितनी भी लाइंस दी गई है उन सारी लाइंस में आपको कंप्लीट करना है, मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो ये पूरा पेज आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखो, पहले लास्ट हमने क्या किया? ई फोर एलिफेंट। ई फोर एलिफेंट के बाद क्या आता है? एफ फोर फिश। ई के बाद क्या आएगा? एफ। एफ फोर फिश या तो फ्रॉग, अभी यहाँ पे फ्रॉग दिया है तो हम लोग फ्रॉग बोलेंगे। फिर क्या है? जी फोर जीराफ, इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों लेटर का जो जी है, लेटर है, उसको दोनों को हम जी बोलते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जी फोर जीराफ, जी फोर जीराफ। फिर क्या आएगा? एच, ये भी एच है और ये स्मॉल लेटर का एच है, तो ये दोनों को हम लोग एच बोलेंगे। ओके, तो H फोर हैन। फिर क्या आएगा? I फोर इग्लू, ये भी I है और ये भी I है, तो इन दोनों को हम लोग I बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? I फोर इग्लू। फिर क्या आएगा? J फोर जीप, ये कैपिटल J है और ये स्मॉल J है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, जे फॉर जीप। अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, अभी लिखते कैसे हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ई के बाद कहाँ पहुँचेंगे, एफ। तो एफ कैसे लिखना है, पहले तो लाइन है उसके नंबर्स दे दो, ये नंबर्स दे दिया। देन आफ्टर पहली तीन लाइन में ही करना है, कैपिटल लेटर्स जो होते हैं बच्चों वो पहली तीन लाइन में ही करते हैं, ओके। स्मॉल लेटर आएगा तो कोई लेटर्स बीच वाली लाइन में आएगा, कोई ऊपर की लाइन को टच करके आएगा, कोई सेकेंड लाइन को टच करके लास्ट वाली रो तक आएगा, ओके। बट कैपिटल तो पहली तीन लाइन में ही आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एफ फोर फिश कैसे करते हैं, स्टैंडिंग लाइन, पहली तीन लाइन में स्टैंडिंग लाइन, फिर आएगी स्लीपिंग लाइन एंड सेकेंड स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एफ फोर फिश। देखो ई और एफ थोड़े थोड़े सेम लेटर्स है, अगर यहाँ पर भी स्लीपिंग लाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ई, और यहाँ पे हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, एफ। फिर अभी यहाँ पे स्मॉल लेटर कैसे करते हैं, ऊपर से छोटा सा टर्न लेके सीधा एक्सटेंडिंग लाइन कर देना है, एंड वंस अगेन स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन जो करते हैं वो आगे से करते हैं थोड़ा, और यहाँ पे जो करते हैं वो यहाँ जो स्टैंडिंग लाइन है उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, ओके। देखो स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड वंस अगेन स्लीपिंग लाइन। फिर सेकेंड कैसे करेंगे, छोटा सा टर्न लेके सीधे एक्सटेंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, ओके। फिर आएगा जी, जी फोर जिराफ कैसे करेंगे, पहली तीन लाइन है उसमें पहले हम सी कर दो, सी हम लोगों ने पहले सीख लिया है, ओके। आप कर भी बोल सकते हो एंड सी भी बोल सकते हो। तो अभी पहले यहाँ पे हम लोग सी करेंगे, फिर एक्सटेंडिंग लाइन कर देंगे नीचे तक, फिर वापस से स्लीपिंग लाइन एंड वन स्लेंटिंग लाइन। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जी फोर जिराफ। फिर यहाँ पे अभी ये जो लेटर है स्मॉल वाला वो कैसे करेंगे, देखो पहली दूसरी तीसरी एंड चौथी, ये जो चार लाइन दी गई है उसमें से पहली लाइन जो है उसमें हम लोग नहीं करेंगे, जो सेकेंड लाइन है वहाँ से स्टार्ट करके नीचे की लाइन तक हम लोग जाएंगे। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सी बना दो छोटा सा, ओके। फिर यहाँ से स्टैंडिंग लाइन लेके नीचे की लाइन तक छोटा सा टर्न, ये सब छोटा सा टर्न कर दोगे ना तो क्या बन जाएगा हमारा, जी फोर जिराफ। देखो कैसे करना है, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ओके। तो पहले कर्व कर दो स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जी। फिर ये कैसे करेंगे, सी कर दो स्टैंडिंग लाइन एंड नीचे से टर्न, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जी फोर जिराफ। फिर एच फोर है, एच फोर हैंड कैसे करेंगे, देखो पहली तीन लाइन है उसमें स्टैंडिंग लाइन, ऑपोजिट डिरेक्शन में वापस से स्टैंडिंग लाइन एंड बीच वाली लाइन में स्लीपिंग लाइन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एच, ओके। फिर सेकेंड लेटर के एच कैसे करेंगे, स्टैंडिंग लाइन एंड वंस थोड़ा सा टर्न लेके नीचे की तरफ टच कर देना है स्टैंडिंग लाइन में, ओके। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एच। कैसे करते हैं देखो, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन, जो बाहर निकल जाती है लाइन तो उसको हम लोग इरेज कर देंगे, ओके। फिर वापस से स्टैंडिंग लाइन, छोटा सा टर्न लेके वापस से स्टैंडिंग लाइन, तो ये क्या बन गया हमारा, एच फोर हैंड। फिर क्या करना है, आई फोर इग्लू। आई फोर इग्लू कैसे करते हैं, वो तो एकदम ईजी है, पहली तीन लाइन है सिर्फ उसमें करना है, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन, तो क्या बन गया हमारा, आई फोर आइसक्रीम एंड या तो फिर आई फोर इग्लू, ओके। फिर स्मॉल वाला आई जो है वो बीच वाली दो लाइन में ही करना है, तो वो कैसे करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन सिर्फ कर देनी है एंड ऊपर एक डॉट कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आई फोर इग्लू। देखो स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, ये दो ऑपोजिट डिरेक्शन में स्लीपिंग लाइन कर देनी है थर्ड लाइन एंड फर्स्ट लाइन तक में एंड बीच में एक स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन एंड डॉट, तो क्या बन गया, आई फोर इग्लू। फिर क्या आएगा, जे फोर जीप। वो कैसे करना है, फर्स्ट लाइन में एक स्लीपिंग लाइन कर दो,
फिर थर्ड लाइन तक एक्सटेंडिंग लाइन, एंड थर्ड लाइन में जो आएगा वो लास्ट में नीचे से थोड़ा सा टर्न करना है। देखो पहले क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, सॉरी स्लीपिंग लाइन, वापस आएगी स्टैंडिंग लाइन, ऐसे पहले कर दिया, फिर नीचे से छोटा सा टर्न कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, जे फोर जीप। फिर सेकेंड जे कैसे करते हैं, पहली लाइन उसमें यूज नहीं आएगी, सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे लास्ट वाली लाइन तक, ओके। तो सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे तो उधर एक्सटेंडिंग लाइन करके नीचे से टर्न ले लेना है। देखो यहाँ पे टर्न लिया था, बिल्कुल वैसा ही टर्न इसमें लेना है, बट अभी आई में हमने डॉट किया था तो जे में भी हम लोग डॉट करेंगे, ओके। डॉट करोगे तो कैसे करना है, यहाँ पे देखो सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक वापस से जाएंगे एंड टर्न ले लेंगे एंड वंस डॉट, ओके। तो ये क्या बन गया हमारा, जे फोर जीप। तो ये आप लोगों को पूरे के पूरे पेज में लिख के कंप्लीट कर देने हैं। तो मैं वापस से रिवीजन करवा रही हूँ, देखो एफ फोर फ्रॉग, जी फोर जिराफ, एच फोर हैन, आई फोर इग्लू, जे फोर जीप। तो ये आप लोगों को पूरे के पूरे पेज में लिख के कंप्लीट कर देने हैं। एंड हम लोग जब अल्फ़ाबेट हमारे कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लोगों को एक अल्फ़ाबेट के वीडियोस दिखाए जाएंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए। तो अभी हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट के वीडियोस, ओके। तो अल्फ़ाबेट हम लोगों ने सीखे आज, वो 10 लेटर हमने सीखे, फिर अब हम देखेंगे वीडियो, ओके। तो ये है जो वो अल्फ़ाबेट के वीडियोज़ है, वो आपको देखना है। Thank you.
तो ये थी हमारे 26 लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स। आज हम लोगों ने 10 लेटर्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, मतलब ए से लेके जे तक जो हमारे थे अल्फ़ाबेट्स वो आज हम लोगों ने सीख ले है। तो आई होप कि आप सबको वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। एंड मैंने जो वर्क करवाया है वैसा आप लोगों को घर पे कंप्लीट करना है। एंड आपने जो वर्क किया है उसकी फोटोज़ क्लिक करके दिए गए नंबर पे सेंड कर देनी है, ओके। एंड कोई भी क्वेरीज डाउट्स है तो आप स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे कॉल या तो फिर मैसेज करके अपना डाउट्स जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ओके। थैंक यू, बाय किड्स।